हेलो एवरीवन, गायत्री किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम होली स्पेशल तिल पापड़ी बनाएंगे, तो आइए जाने इसे बनाने में हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। तिल पापड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम मैदा, 2 चम्मच चावल का आटा, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ सफ़ेद तिल, आप चाहें तो कच्चा तिल का भी यूज़ कर सकते हैं, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच कलौंजी, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और तिल पापड़ी बनाने के लिए तेल। चलिए अब हम तिल पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक बर्तन में मैदा को निकाल लेंगे और अब हम इसमें 2 चम्मच तेल मोयम के लिए डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हाथ से मिला लेंगे। देखिए, तेल और मैदा अच्छी तरीके से मिल गया है और जब हम इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे तो हमारा मैदा इस तरीके से हो जाएगा, तो आप समझ जाएं कि आपका मोयम अच्छी तरीके से हो गया है। और अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड करेंगे, जैसे कि तिल, काली मिर्च पाउडर, अजवाइन और कलौंजी, और आखिरी में हम इसमें नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे सख्त गूंथ लेंगे। देखिए, हमारा तिल पापड़ी का डो तैयार हो गया है और हमें इस तरीके से इसे सख्ती गूंथना है। चलिए अब हम तिल पापड़ी के लिए डो में से छोटे छोटे लोई निकाल लेते हैं और उसके बाद हम उसे बेलेंगे। चलिए अब हम एक लोई लेंगे और इसे पापड़ की तरह पतला पतला बेल लेंगे। देखिए, हमने इसे काफी पतला बेल लिया है और अब हम एक फोर्क के हेल्प से इसमें छेद कर लेंगे। हम इसमें होल्स इसलिए करते हैं ताकि हमारा पापड़ी फूले ना। और इस तरीके से हम बाकी पापड़ी को भी बेल लेंगे। चलिए अब हम तिल पापड़ी को तलना स्टार्ट करते हैं। हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है, हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है और अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है और अब हम तेल में पापड़ी को डालेंगे। हमारे गैस का फ्लेम हाई है और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे इस तरीके से दोनों तरफ से हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, हमारा पापड़ी दोनों तरफ से हल्का ब्राउन हो गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे और इस तरीके से हम बाकी पापड़ी को भी फ्राई कर लेंगे। ये नमकीन रेसिपी बहुत ही फटाफट बन जाता है और इसे बनाने में भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रंची भी होता है। आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख के काफ़ी दिन तक खा सकते हैं और होली में कभी आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, आप इसे शाम को चाय के साथ भी खा सकते हैं।
देखिए हमने सभी तिल पापड़ी को तल लिया है। तिल पापड़ी बनके तैयार है। आप इसे होली में गेस्ट को सर्व कर सकते हैं और इसके साथ आप धनिया की चटनी या मीठी चटनी दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और क्रंची होता है। आप इसे शाम में चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट करें। थैंक यू।